एक्सक्यूज मी, आपने एक्सेल में वर्ड्स को तो बहुत बार अलग अलग कॉलम में डिवाइड किया होगा, क्या कभी आपने नंबर्स को अलग अलग कॉलम में डिवाइड किया है? एक्सेल के अंदर वर्ड के लिए तो ऑप्शंस बना हुआ है, पर नंबर्स के लिए ये ऑप्शन मैनुअल तरीके से नहीं है, और अगर मैनुअल तरीके से है भी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करने वाला हूँ जिस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप नंबर्स को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर पाएंगे। हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, हर चीज़ को हम डिटेल में सीखेंगे, कोई चीज़ क्यों लगाई गई है, उससे क्या होता है और उसका एक्सेल में क्या यूज़ है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स को अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे हम इन सभी नंबर्स को अलग अलग कॉलम में एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहले हम टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि हमें इन सभी नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। देन सिंपली आपको स्टार्टिंग सेल में क्लिक करना है और डॉलर को 3 बार यहाँ पे आप प्रेस कर देंगे ताकि ये रो लॉक हो जाए। देन उसके बाद आपको कॉमा पुट करना है, देन यहाँ पे डबल कोट के बीच में आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है उतने क्वेश्चन मार्क्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है ताकि A3 सेल में जितने भी टेक्स्ट हैं वो इन प्लेस होल्डर के अकॉर्डिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन सिंपली आपको कॉमा पुट करना है। अब यहाँ पे आप कॉलम फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आप एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने A1 को स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे A1 क्यों लिया है, यहाँ पे हमने A1 इसलिए लिया है कि कॉलम A1 यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी इस कॉलम को छोड़ के। तो इसलिए इस यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कि आपको इस कॉलम को छोड़ देना है एंड देन हमारे जितने भी आउटपुट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे इस कॉलम के बाद से। देन आपको सिंपली कॉमा 1 पुट करना है। अब हमने यहाँ पे कॉमा 1 पुट क्यों किया है, कॉमा 1 के लिए हमें यहाँ पे अपने मिड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब ये मिड फंक्शन करता क्या है, मिड फंक्शन बेसिकली करेक्टर्स को या टेक्स्ट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिया है ताकि हर एक कॉलम एक एक वर्ड अलग अलग कॉलम में क्या हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। हमें एक एक कॉलम में एक ही करेक्टर चाहिए, एक ही वर्ड चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 को क्या किया है, लिखा है। देन सिंपली आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, इसको आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स थे वो अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो गए। साथ में ये फंक्शन करेक्टर एंड न्यूमेरिकल दोनों के लिए समान तरीके से काम करता है। तो होप सो आपने इस वीडियो में इस पूरे फॉर्मूले को बहुत अच्छे से और हर पॉइंट को बारीकी से समझ लिया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अगर आप मिड फंक्शन हमने क्यों यूज किया है, टेक्स्ट फंक्शन हमने क्यों यूज किया, क्वेश्चन मार्क क्यों यूज किया है, अगर आप इसको फिर से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज डिटेल्स में लिख दी है, आप देख सकते हैं और अपनी एक्सेल की इंफॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।